So today's topic is tropical cyclone. Basically, tropical cyclone is a natural disaster. डिज़ास्टर ठीक है इट इट इंक्लूड्स इन नेचरल ये सवाल अक्सर आता है तो आपको ये पता होना चाहिए साइकिलन होता क्या है इसके बहुत सारे नाम हैं डोंट भी कन्फ्यूज़ अमंग दैम ठीक है कि इसमें क्या होता है हॉरिकेंस की क्या होते हैं टाइफोन्स क्या होते हैं बस आपको थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंस है बल्कि वो इतना भी डिफरेंस भी नहीं है वो सिर्फ डायरेक्शन का डिफ्रेंस है वो हम देख लेते हैं आपको पता होना चाहिए होता क्या है ये साइक्लोन बेसिकली होता क्या है ठीक है आपने ये देखना है disasters refers to the large scale क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है ठीक है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम इन एटमोसफियर ठीक है विच कम्बाइंस लो प्रेशर एंड स्ट्रॉग विंड्स डेट रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज इन दी नॉर्दर्न हेमिसफेयर नॉर्दर्न हेमिसफेर के अंदर ये काउंटर क्लॉक वाइज मूव करते हैं ठीक है ट्रॉपिकल स्टॉम साइक्लॉन्स हरीकेफों कुछ भी कह सकते हैं आप याद रखिएगा ये ठीक है समझ आ गई क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर लो प्रेशर्स के साथ मिलते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होती है ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड डैट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इन दॉ इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर ठीक है इन मेट्रोलॉजी के अंदर इसकी डेफिनेशन क्या होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द लो टाइप इज़ अ टाइप ऑफ़ लो प्रेशर सिस्टम डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजी के अंदर ये होती है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इज द लो टाइप इज़ अ टाइप ऑफ लो प्रेशर सिस्टम होता है एक टाइप अच्छा ये सिंपल इसकी मैंने डेफिनेशन से बनाई जैसे ये वर्ल्ड मैप है ये आपका अमेरिका आ गया ठीक है ये अमेरिकाज आ गया ये दूसरा नीचे वाला अमेरिका है। ठीक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया है इसी तरीके से यार ये यूरोप वाली साइड है ये रशिया है चाइना पाकिस्तान यहाँ है चाइना अफ्रीका वाले कंट्रीज़ हैं तो इसके नाल होगा नीचे ठीक है तो, तो यहाँ वाले जो ये है ना ये सारी जो इस तरफ विंड चलेंगी और वो सारे को आप साइक्लोन्स बोलेंगे इधर वालों को आप हरिकेन्स बोलेंगे जैसे कि यूएस के अंदर जो आते हैं ना वो हरिकेन्स आते हैं टाइफोन्स इस एरिया में आते हैं और विली विलीज आप इस एरिया को बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली साइड पे ठीक है काउंटर क्लॉकवाइज नॉर्दर्न नार्दर्न होंगे क्लॉकवाइज वाइज साउदर्न हेमिसफेर में होंगे ये डायरेक्शन याद रखिएगा ठीक है अच्छा फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स होती कैसे हैं ऑल स्टॉम्स हैव टू थिंग्स इन कॉमन ठीक है ये जो भी इस तरह के साइक्लोन्स टाइफोंस आपके हरी विली विलीज होते हैं इसके अंदर आपकी दो चीज़ें कॉमन होती हैं एंड दैट इज़ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट स्टॉम्स सेंटर ठीक है सेकेंड इज़ विंड्स क्रिएटेड बाई द फ्लो ऑफ एयर फ्राम हाई प्रेशर ठीक है अच्छा वो होगा हमेशा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसके सेंटर में और वहाँ उसके इर्द गिर्द हमेशा बहुत तेज़ हवाएं चल रही होंगी ठीक है आउटसाइड स्ट्राम ये कॉमन बात हो गई टू दी प्रेशर एट दी सेंटर जो कि प्रेशर कर रहा होगा इंसर्ट अच्छा अब सिंपल ये होता है कि होता क्या इसका फिनमिनस के स्टेजेस देखते हैं डेवलपमेंट के होता ही है कि लो प्रेशर एट सेंटर जैसे हम पढ़ चुके हैं बार बार के इसका ये जो पॉइंट होता है ना सेंटर पर ये बिल्कुल लो टेमप्रेशर होता है यहाँ पे इसके इर्द गिर्द यूँ तेज़ घूम रही होती है हम देखेंगे अभी ऑल एयर आउटसाइड जो होती है वो क्या करती है एयर टॉप्स ऊपर वाली जो एयर होती है वो कूल cool होना शुरू हो जाती है उसकी वजह से कूल cool एयर क्या करती है वाटर वेपर करती है वाटर वेपर कंडेंस होते हैं क्लाउड्स लेके आते हैं और फिर अल्टीमेटली स्ट्रॉ ब्रिंग्स क्लाउड्स स्ट्रॉम जो होते हैं ना वो क्लाउड्स को लेके आते हैं ठीक है और इसकी वजह से आपके जो साइक्लोन्स वगैरह होते हैं ना इसकी वजह से फिर ये बहुत ज़्यादा बारिश तूफ़ानी तो बारिश वगैरह होती है अच्छा इसके बाद आएगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ़ डेवलपमेंट क्या होते हैं ट्रॉपिकल पहले तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी वीक अनऑर्गेनाइज्ड विंड्स होती हैं अच्छा हम आगे डेफिनेट इसकी वो देखेंगे डायग्राम किस्म के ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है डिप्रेशन इसमें ये होता है कि विंड्स लेस देन 39 एमपीएच एम पी एच की होती हैं फिर ट्रॉपिकल स्ट्रॉम के अंदर 39 नाइन टू सेवेंटी मेगा आपका एम पी एच हो जाती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन और हरिकोन जो प्रॉपर जन बन हैं वो उसमें ग्रेटर देन 74 फ़ोर एम पी एच की विंड्स होती हैं ठीक है विंड स्केल जो होता है वो सफे सेमसन हरीकेन विंड स्केल होता है वन से फाइव रेटिंग होती है मेजर करने के लिए यूज़ होता है ठीक है ये पता होना चाहिए इन्वॉर्मेंटल इंपैक्ट्स हमें पता है क्या होते हैं स्ट्रॉम सर्ज होता है फ्लड्स है, 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 आते हैं विंड आते हैं टॉर्नेडोज आते हैं ठीक है इसमें कुछ भी नहीं है और ये मैंने जैसे बताया कि लो प्रेशर सेंटर में होता है और कूल cool एयर्स जो होती हैं ना ये बाहर होती हैं और हाई प्रेशर होता है इनके इस तरफ बाहर एयर्स का ठीक है तो ये हो गया आपका हमने क्या पढ़ा ये साइक्लोन पढ़ा है ठीक है साइक्लोन ये देखा है हमने जो कि सेंटर में इनका बिल्कुल लो टेम्परेचर होता है अच्छा आगे थोड़ी सी और डिटेल्स है एक्सप्लेनेशन इट इज़ एन इंटेंस सर्कुलर स्ट्रॉम ठीक है ये हम पढ़ चुके हैं डेट ऑरिजिनेट्स ओवर द वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस वार्म ट्रॉपिकल ओशियंस के इर्द गिर्द जनरेट होते हैं एंड इट करेक्टराइज बाय दी लो एटमॉस्फेरिक एंड हाई विंड्स बेसिकली आप क्या करेंगे अगर आप इसकी एक वीडियो देख लेना लाइव असल में ये रिएक्ट चल होता कैसे आपको वो थ्री के अंदर वर्चुअल मतलब दिख रहा होगा वीडियो किस तरीके से आपका साइक्लोन जनरेट होता है कि जब आपकी ये सरफेस है ना अगर आपकी सरफेस है सी की तो उधर एक वार्म जब आ, एयर अब वार्म होती है ठीक है जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ होता है कि ये वहाँ वेपोरेशन होना शुरू होती है वहाँ की जो एयर है ना वो वो वेपोरेट होती है वार्म एयर ऊपर चली जाती है और इसकी वजह से ये लो प्रेशर रीजन बन जाता है जब ये लो प्रेशर रीजन पड़ता है ना तो बाहर से जो कूल विंड्स होती है ना हम बार बार पढ़ें कि कूल विंड्स जब आती हैं तो अल्टीमेटली साइकिल रिसाक गोल होना घूमना शुरू हो जाती है इसके अर्थ के इस वार्म विंड ऊपर जाती है और न्यू विंड इसकी जगह लेती है और इसकी वजह से एक साइकिल जनरेट होता है और वो फिर ऐसे ऐसे साइकिल जनरेट होता होता आपका साइक्लोन की सूरत अख्तियार करता जब जाता है ठीक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और कंपैक्ट सेंट्रल रीजन मैंने बताया ना कि उसके ऐसे इर्द सेंट्रल रीजन के गिर, वो घूमना शुरू कर देता है और वो सेंट्रल रीजन बिल्कुल आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वहां पे ठीक है ये लाजमी याद रखिएगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको साइक्लोन का हम बोल रहे हैं दी विंड फील्ड इज डिवाइडेड इंटू पहले भी हमने बात की एक आउटर रीजन होता है एक इनर रीजन होता है ऑय वॉल बन जाता है ऑय की तरह तो ये सारा तो पढ़ लिया है फॉर्म होते किस तरीके से जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं हरिकेन्स फ्रॉम दी वार्म ओशन वाटर्स ठीक है वार्मोशन वाटर्स के ऊपर बनते हैं ये मैं बता चुका हूँ वार्म एयर बेसिस क्या होती है क्रिएटिंग लो प्रेशर क्रिएट करता है और वो वहाँ से आपकी अवेपोरेट होना शुरू होती है विच इमीडिएटली रिप्लेस बाय अ कूलर एयर ठीक है जैसे मैंने बताया कूलर एयर उसकी जगह पे आनी शुरू हो जाती है फिर क्या होता है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू मॉइस्चर टिल मॉइस्चर फील्ड्स द क्लाउड्स बिगन टू एक्सपैंड मैंने बताया ना कि ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, होता जाएगा और ये ऊपर वा, 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 जाएगी वार्म एयर ठीक है क्लाउड जनरेट होंगे उसकी वजह से और नीचे वाला कूल एयर आने शुरू होते हैं और ये एक रिवॉल्विंग का स्वेल क्रिएट हो जाएगा विद द

और इसकी वजह से हरी यूजली रिजल्ट इन द मैसिव डिस्ट्रक्शन व्हेन दे हैव रीच दी ग्लैंड तो सिंपल ये थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी है मतलब आप इसकी एक वीडियो देख लें अगर थ्री के अंदर तो आपको समझ आ जाएगा फिर उसमें असल में फिनामा बैकडोर पर क्या होता है फिर आपको ये लिखने में आसानी हो जाएगी अपनी तरफ से लिख सकते हैं लेकिन ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा लो प्रेशर सिस्टम हम इसको बोलते हैं अच्छा इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि आपको पता होना चाहिए डिफरेंस हरिकेन और मिड लेटीट्यूड साइक्लोन का क्या डिफरेंस होता है मिड लेटीट्यूड साइक्लोन और केन्ज में क्या डिफरेंस होता है हरिकेन लार्ज स्ट्रॉम डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द ट्रॉपिक विथ सस्टेन विंड ठीक है मिड लेटीट्यूड साइक्लोन इज द लार्जेस्ट फ्राम फ्राम फॉर्म मिडल एंड हायर के हायर लेटिट्यूड होते हैं होगा ये सेम फ्राम सेम ना बस थोड़े से डिफरेंस है इसके अंदर हरिकिंस ड्राइव एनर्जी फ्राम दी वॉटर्स ठीक है ड्राइव एनर्जी फ्राम द हॉजोंटल टेम्परेचर ठीक है ये डिफरेंस है सिंपल अच्छा लुकिंग एट दी क्रॉस सेक्शन अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन से देखेंगे दे आर वॉम कोर इसका कोर वार्म होगा और मिड लेटीट्यूड जो है ना साइक्लोन इसका कोल्ड कोर होगा ठीक है अगर इसकी जो होती है ना आई हमने बात की थी कि जो लो टेम्परेचर आपका सिस्टम होता है उसके अंदर एक जो आई बन जाती है ना सिंकिंग ऑफ एयर अकर्स होती है वहाँ पे जो हमने बात की है लो प्रेशर सिस्टम है इसका मिड लेटीट्यूड साइक्लोन है सेंटर वेयर एयर अराइज इस सेंटर से एयर अराइज़ कर रही होती है और सोलरी ये जो होते हैं ये नॉन नॉर्दर्न हेमोसफेयर में होते हैं ये नॉर्दर्न प्लस साउदर्न हेमोसफेयर में होते हैं जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया है कि ये इसका डिफरेंस है ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं तो ये था आपका साइक्लोन वग़ैरह ट्रॉपिकल साइक्लोस आपको पता होने चाहिए थैंक यू सो मच डेट्स ऑल फॉर टुडे